आपकी जिद आपको महंगी पड़ सकती है। जब तक आपकी जिद के पीछे लॉजिक नहीं होगा, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स नहीं होंगे, कहीं ना कहीं आप नुकसान उठा सकते हैं। ये देखिए, आज के सभी अखबारों में, टीवी चैनल्स के ऊपर एक खबर है कि कनाडा में जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं किस तरीके से फंसे हुए हैं। सवाल ये उठता है कि वो वहां फंसे हैं या यहां से फंसाकर उनको भेजा गया था। यहां के कंसल्टेंट्स ने उनको सपने दिखाए, उनको ऑफर लेटर्स जो आमतौर पर 8 to 10 weeks लगते हैं, चाहे वो हम्बर कॉलेज है, उनको 2 दिन में 3 दिन में अरेंज करके किस तरीके से करके उनको वहां भेज दिया। आयल्स में 5.5 बैंड्स हैं या 5 बैंड्स हैं, उसके ऊपर उन्होंने नकली काम करके भेज दिया। डिग्रीज में हेराफेरी करके आपको भेज दिया। सवाल ये उठता है कि सिर्फ कंसल्टेंट जिम्मेवार है इसका। मैं कंसल्टेंट्स, जो लोग गलत काम करते हैं, मैं उनकी निंदा करता हूं, बट एट द सेम टाइम आई सिंपली आस्क यू पीपल कि आप जब भी कंसल्टेंट ढूंढते हैं, क्या आप ढूंढते हैं कि उसकी स्टैंडिंग क्या है, उसकी रेपुटेशन क्या है, क्या वो फंड्स जो है वो नकली दिखा रहा है, क्या वो फंड्स मैनिपुलेट कर रहा है, क्या वो आपके रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करेगा, क्या वो आपको ऐसे कॉलेज में भेजेगा जहां उसकी बहुत बड़ी सेटिंग है, या फिर आपको 2 कमरे वाले कॉलेज में भेजेगा जहां उसने अपना कॉलेज खोल दिया और आप अपने शहर में उस आदमी के बारे में ये कहते हैं कि हमारे उस आदमी ने तो जी कॉलेज भी खोल लिया। आपको मालूम है कितने कमरों का कॉलेज है? क्या वो रिकग्नाइज है? क्या गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा उसको रिकग्नाइज करती है? उसके बाद जब आप वहां चले जाते हैं तो आपको यू आर फोर्स टू ज्वाइन सच ए कॉलेज जहां पर आपको वर्क परमिट मिल सकता है। इन कॉलेजेस से वर्क परमिट नहीं मिलेगा आपको। आप जो जल्दबाजी करते हैं, ये कंसल्टेंट का बहुत मोटा फायदा होता है। आपके केस में कितने लाखों रुपए वो खा सकते हैं आपको पता नहीं है, और आपके करियर कितना खराब हो सकता है आपको मालूम नहीं है, आप मुजरिम बन सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कंसल्टेंट इसलिए बच जाता है कि उसको मालूम है कि आपकी भी भागीदारी है। ऑलराइट, सो दोस्तों, अगर आपने बचना है तो ट्राई टू फाइंड आउट कि एक ईमानदार अच्छे जो आपको कोर्स बताएं आपके टेस्ट के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपकी डिग्री के हिसाब से। शॉर्टकट मारेंगे डेफिनेटली आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। प्लीज टेक केयर, वार्निंग है। एट बैनर्जीज ग्लोबल हम लोग क्या करते हैं, आपकी काउंसलिंग करेंगे, आपको बताएंगे और आपके फंड्स आपके खाते से जाएंगे। कोई हेरा फेरी नहीं, 0% 100% ऑनेस्टी। इसके अलावा द बैनर्जीज ग्लोबल के पास कुछ नहीं है। सो अगर आपने फंसना है तो जरूर और कहीं जाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य सही रहे, आपके बच्चे सेफ बिल्कुल रहे, और आप कनाडा जाएं या ऑस्ट्रेलिया जाएं, बिल्कुल सही तरीके से जाएं, ऑनेस्टली जाएं, ढंग से जाएं, तो द बैनर्जीज ग्लोबल इज द राइट प्लेस। सिंपल सी बात है, द बैनर्जीज मींस बैनर्जी सर, बैनर्जी मैम, द टीम जो सारी काम करती है, सिर्फ 24 कैरेट सोना, दैट्स ऑल। वी गारंटी, चाहे वो आयल्स हो, पीटी हो या फिर वीजा कंसल्टेंसी हो, वी आर हियर। 32 साल हो गए हम लोगों काम करते हुए, साइलेंटली आराम से काम करते हैं। आयल्स और वीजा कंसल्टेंसी हमने जो कुछ टाइम पहले शुरू की, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स, साफ सुथरे, इज्जत कमाइए, इज्जत कमाएंगे, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है, दैट्स ऑल।